मैं बताऊं सर? नहीं, यस सर। उसने बोला है ना कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका रूट है हमारे पास ओमेगा। उसने खुद ही बोला है ना, ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब ओमेगा इस इक्वेशन का रूट होगा, पहली इक्वेशन का, नंबर वन का, तो ये क्या बन जाएगा? लेट्स सपोज आप निकालते हो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। जब इसके रूट्स निकालते हैं आप, तो आपके पास रूट्स निकलते हैं एक्स माइनस 1 का होल का स्क्वेयर। तो आप कहते हैं एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। 1 पुट करके देखते हैं तो आपका आंसर 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है। इसी तरह कहता है कि ये इसका रूट है ओमेगा। ओमेगा जब इसका रूट होगा तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस 1। दब देन उसने ये कहा है कि इसका हमारे पास स्क्वेयर, टू प्रूव ओमेगा स्क्वेयर इज रूट ऑफ 1। अब कहता है ओमेगा स्क्वेयर भी इसका रूट है। बात दोनों गौर से देखिएगा। हाफ साहब रिपीट करना इसकी लाइन। इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, शो दैट इट्स अदर रूट ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज। ठीक हो गया। अच्छा भी ये देखें, अब पहले में उसने कह दिया कि इसका रूट है ओमेगा, देन वो कह रहा है इसका अदर रूट है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, उसमें फिर हम ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे। ये देखें, जहां जहां ओमेगा एक्स आ रहा है वहां वहां ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। ओमेगा स्क्वायर पुट करने के बाद हमारे पास ये क्या बन गया? ओमेगा की पावर 4, ये बन गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू कहाँ से आ गई? माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखें, इन्होंने इसमें ना थोड़ी सी ऑल्टरेशन की है। ऑल्टरेशन क्या की है? इन्हें चाहिए हमारे पास रूट, इन्होंने बनाना है ये वाला दोबारा ना, जो हमारे पास रूट्स बेसिकली इन्होंने प्रूव करना है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हमारे पास हमने प्रूव करना है। तो इसमें हमारे पास ये देखें, इसमें हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये ओमेगा 4 बन गया। सिंपल इसको लिख लेते हैं ऐसे इधर। ये आ गया हमारे पास, इसका जवाब बनेगा ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसको वो प्रूव करना चाह रहा है हमारे पास इसके बराबर, कि हमारे पास इसका जवाब क्या आता है। इसका जवाब चेक करता है कि 0 के बराबर, इसने मतलब इसको किसी के बराबर भी रखना है ना। ये तो हमें पता है जो ऊपर वाला लिखा है हमने, ये देखे, ये तो हमें वैसे ही पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर क्यों होता है? नॉर्मली भी हमें पता है कि तीनों का सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या होता है? 0। ये हमने इसका जनरल प्रूफ भी किया है, वो 1 और इसकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके। अब इसमें भी ये हमारे पास इसको प्रूव किया है, ये प्रूव करने की जरूरत है नहीं वैसे। ये इसने प्रूव किया है कि ये इसको 0 के बराबर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? वो उसने उसका प्रूफ किया पूरे का पूरा, कि ये सारे की वैल्यू पुट करेगा 0, 0 के बाद इसके मल्टीप्लाई करने का, ये अमल करने की जरूरत नहीं है इधर। ये हमें अंडरस्टूड सा पता है कि ये उसने ही पुट किया है ना, हमने ओमेगा स्क्वायर उसमें पुट कर दिया इस क्वेश्चन में, तो उसका जवाब आंसर 0 के बराबर ही आना है। वो हमें जरूरत नहीं है 0 पुट करने की। अब ये देखिए, दूसरी क्वेश्चन और तीसरी जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है आपस में से। बेसिकली तो हमारा काम है, हमने ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लेके आना है, वो प्रूव करना है। कहता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और आपने ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 प्रूव करना है। जब ओमेगा पुट किया तो हमने ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? वो वैल्यू पुट देखी हमने, ये देखें इधर से, ये था जब हमने ओमेगा पुट किया था, तब हमारे पास वैल्यू ये आई थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे की वैल्यू मेगा की पावर 4 प्लस मेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें, इन दोनों को आपस में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेगा की पावर 4 हमारे पास कोई भी नहीं है, तो मेगा की पावर 4 वैसी एज इट इज आ गई। ये एक प्लस की होगी, एक माइनस की होगी, ये कैंसिल,
इधर से माइनस ओमेगा एज इट इज आ गया प्लस माइनस वन, ये भी कैंसिल हो गया। ओनली वैल्यू हमारे पास कौन सी रहेगी, ओमेगा की पावर फोर माइनस ओमेगा। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, ओमेगा कॉमन आ रहा है। ओमेगा कॉमन आने के बाद इधर रह गया हमारे पास ओमेगा क्यूब माइनस, और इधर रह गया हमारे पास वन। तो ओमेगा इक्वल टू जीरो, यहाँ तो ओमेगा इक्वल टू जीरो होगा, वो आपको पता है ओमेगा इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस प्लस अंडर रूट थ्री एटा ओवर टू, वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जीरो के बराबर होगा, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो इधर से ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन। ये मैं आपको ना नोटबुक पे करके दिखाता हूँ, ये सिंपल सा सवाल है, इसने थोड़ा सा लेंथी किया हुआ है। हमारे पास है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक उसका रूट दिया हुआ उसने ओमेगा, तो इधर से क्या बन जाएगा, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन इसकी जगह ओमेगा पुट किया, इसकी जगह भी ओमेगा इक्वल टू जीरो। फिर दूसरा रूट उसने क्या पुट किया इसकी जगह, इधर से पुट, बल्कि तरतीब से लिखते हैं इसको ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो, दूसरा रूट कहता है अदर रूट, वो है ओमेगा स्क्वायर, उसमें ओमेगा स्क्वायर पुट कर लिया प्लस ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इन दो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नाम वन दे दिया, इसको टू दे दिया, नंबर वन में से टू माइनस करेंगे या टू में से वन माइनस कर लो, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। और ये वाला, ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, इधर हमारे पास वैल्यू ओमेगा की आ रही थी, इधर आ गया था हमारे पास वन इक्वल टू जीरो, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास बन गई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। जब सबट्रैक्ट करते हैं इसमें से, सबके साइन भी चेंज होते हैं, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ओनली हमारे पास रहेगा ओमेगा की पावर फोर माइनस ओमेगा इक्वल टू जीरो। तो इधर से हमारे पास बन जाएगा ओमेगा कॉमन आ गया, ओमेगा क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, ओमेगा डज नॉट इक्वल टू जीरो, ओमेगा क्यूब इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, ये हमने चीज प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया, मतलब जो रूट से वो पुट किए, रूट्स पुट करने के बाद जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट किया, वो उसने जो प्रूफ किया है ना इधर से, वो आप इधर से सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, वो जो उसने इतना लंबा चौड़ा प्रूफ किया है, आपको पता है मेगा की पावर फोर किसके बराबर होती है, इसको लिख सकते हैं मेगा थ्री ओमेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ओमेगा। तो ये देखिए, जब इसकी जगह अगर आप पुट करते हैं उसकी वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ये आपको पता है फिर भी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर, वो उसने यहाँ भी लंबी चौड़ी कहानी डाली हुई है, वो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर फाइव सर, क्वेश्चन नंबर फाइव। ये तो सर तकरीबन करवा दिया क्या, क्वेश्चन नंबर फाइव, हम्म, तकरीबन करवाया ही हुआ है ये तो। क्वेश्चन नंबर फाइव, अब इसमें कहता है लेट एक्स बी, क्या इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ माइनस वन आर वन प्लस अंडर रूट थ्री ओयोटा ओवर टू एंड वन माइनस अंडर रूट थ्री ओयोटा ओवर टू। ठीक हो गया, वही आ गया ना हमारे पास। अब ये देखें, ये माइनस वन का उसने क्यूब रूट का है, तो उसी तरह ये, बल्कि ये पहले क्वेश्चन में आपने कर लिया है, ये इतना क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में हो जाता है सारे का सारा। ये देखें, उसमें मैंने करवाया था आपको इसका प्रूफ, जब याद होगा आपको ये वाला प्रूफ करवाया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स इक्वल टू प्लस वन की पावर वन बाय थ्री थी, और इधर सवाल में क्या बन गया, माइनस वन की पावर वन बाय थ्री है, तो वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उधर उसके रूट्स आते हैं वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
और इधर थोड़े से चेंज होने के, बस इधर क्या चेंजिंग हो जाएगी हमारे पास, इधर माइनस आ जाएगा साथ, ये माइनस आ गया इसके साथ, जब माइनस आएगा माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, इसी तरह वो भी चेंज हो जाएंगे, ये वाली वैल्यू बस चेंज हो जाएगी। तरीकाकार वही है जो हमने उसका जनरल प्रूफ किया था ना स्टार्टिंग में। क्लियर है ये करवा दो, ये क्लियर है क्योंकि इसका सिर्फ दूसरा पार्ट करवा दें बेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इस सर इसका दो पार्ट है हमारी बुक में, स्टेटमेंट में ही लिखे हुए हैं। दूसरा पार्ट है प्रूव दैट 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 होल का 9 प्लस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 होल 9। दोबारा बोलना स्टेटमेंट सर, ये क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है ना जी जी, उसके ऊपर 9 लगा दें, उसकी पावर 9 है। अच्छा अच्छा अच्छा, और दरमियान में ठीक है वो लिखवाना मुझे, ये लिखवा दो मुझे, हाँ लिखवाओ अब। 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2 होल की पावर 9 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2। 1 माइनस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2 सर, अंडर रूट माइनस 3 है। हाँ हाँ वो एक ही होता है, माइनस अंडर रूट 1 किसके बराबर होता है, एटा के बराबर होता है, तो वो एटा लिख लिए क्योंकि फर्दर हमने एटा यूज करना है ना। ठीक सर। तो ये देखो इसमें किस चीज की कमी थी हमारे पास, ये सारे का सारा, इधर भी माइनस आना चाहिए, इधर भी माइनस आना चाहिए, फिर हम लिख सकते हैं इसको ना। तो अब ये देखें, 1 प्लस अंडर रूट 3 एटा की पावर 9 ओवर 2 की पावर 9 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर वाले की फिर उसी तरह अलग, नीचे वाले की अलग। अब इस पे तो एक तो हमारे पास इसका फार्मूला है, फार्मूला हम कंप्लीट कर लें। फार्मूला कंप्लीट में एक तो ये तरीका कार है जिसमें हम सिंपल ये वाला फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर फिर क्यूब फिर इनकी 3 पावर फिर 4 5 6 7 8 9, वो आपको ट्राइंगल। जी जी, ये इसको हम ऐसे ही नहीं लिख सकते माइनस ओमेगा का 9। मैं वही तो आपको माइनस मैं वही बताने लगा हूँ, नेक्स्ट वही बताने लगा हूँ। आप इसको डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, दूसरा मेथड इसका ये कि आपके पास मेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा की वैल्यू थी माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू मेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया, 1 माइनस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, मेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस जब कॉमन लिया 1 प्लस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2, ठीक है। अब ये देखो माइनस माइनस इनके इधर आ जाएंगे, ये क्या बन जाएगा माइनस मेगा, और ये क्या बन जाएगा माइनस मेगा स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, अब ये देखो ये वाली वैल्यू माइनस मेगा, इसकी जगह हम पुट कर देंगे माइनस मेगा का पावर 9 और 1 प्लस अंडर रूट 3 एटा ओवर 2, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा माइनस मेगा स्क्वायर की पावर 9। पावर माइनस होने की वजह से इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ओमेगा की पावर 18 प्लस बल्कि माइनस, क्योंकि माइनस इसका बाहर आ जाएगा, ओमेगा की पावर 9। इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 की पावर 6, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 3 की पावर 3, ये भी 1 बन जाएगा, वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया माइनस 2। यहां से क्लियर हो गया, ये है ना बेसिकली ओमेगा की वैल्यू थी, उधर से हमने वैल्यू ये फाइंड आउट की है, माइनस जस्ट कॉमन लिया उनमें से, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ,
तो जहां देख ले ओमेगा की वैल्यू आ रही है वहां ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, जहां ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वहां ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। ओके, ये इजी है ये सारे, बल्कि ना इस तरह के क्वेश्चन आपने मैट्रिक में पढ़े हुए सारे के सारे ना सर। 4.4 है। यस 4.4 है। तुम इतनी देर से कर क्या रहे थे? सर वो मैं खाना खा रहा था, ये आपने 4.3 नहीं करवाई सर, वो इतनी बड़ी थी। शाबाश भैया पे, शाबाश सर। 4.3 करवा दी अभी, वो भी करवा दिया। हाफिज साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, हाँ ना करवा दी है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ जी करवा दी भाई। क्या वो उस पे यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उधर से देख लेना। खाने में बंक तो नहीं भाई? अच्छा 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 यही क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास दो रूट्स हैं सर, दो रूट्स हैं, हाँ उनकी इक्वेशन बनाएं जिसका एक रूट 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा भी ये देखो, अब दो रूट्स हैं, इसका मतलब एक्स के आंसर आपकी मर्जी, एक्स रखना है, वाई रखना है, को जो मर्जी रख लो। ऐसे जवाब आते हैं ना हमारे पास, एक्स के दो जवाब आ गए, एक जवाब उसने कहा है 2 ओमेगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, इधर से हमारे पास इसकी वो फैक्टर्स बना लो, एक्स माइनस 2 ओमेगा पहले वाले में से, सेकंड वाले में से क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनानी है हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के फैक्टर्स ही है ना, फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनती है ना हमारे पास, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब ये देखें, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 2 ओमेगा एक्स। सर यस सर, ये जो आपने लिखा है एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा और नीचे लिखा है एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों ही एक्स लिखने से? हाँ हाँ, अब देखो ना इक्वेशन जब बनानी है हमारे पास, जब इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में बनाएंगे तो वो आपकी मर्जी, वो आप x में बना लें, आपकी मर्जी आप y में बना लें, आप देखो सर। लेकिन x y नहीं हो सकता? नहीं 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 नहीं, वो क्यों, वो ये देखो, आप x square plus 5x plus 6, जब इसके रूट्स बनाते हो x square plus 3x plus 2x plus 6, x x plus 3 plus 2 common आ गया plus 3, x plus 2 और x plus 3। अब ये वाली चीज उसने जवाब दे दी है, इसके जवाब दे देता है, मतलब इधर से जवाब क्या बनेगा इसका, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 3। अब इधर से देखना सवाल को ना, इधर से लेके चलते हैं वापस बैक। अब ये चीज उसने दे दी है, कहता है एक x का आंसर है माइनस 2, एक x का आंसर है माइनस 3, जो इधर माइनस 2 ओमेगा है और 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो इधर से इसकी वैल्यू हम जब इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2 और x plus 3। कहता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली क्वेश्चन फॉर्मेट बनाओ, मतलब ये रूट दिए हुए ये क्वेश्चन लेके आनी है आपने। तो ये देखो वही काम किया है, x इक्वल टू 2 ओमेगा था, x इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर था, तो उधर से हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 2 ओमेगा, x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ओमेगा क्यूब हमने देखा वो 1 के बराबर होता है, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही थी, माइनस 2x और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया हमारे पास। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, इधर से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -1, तो उसकी जगह -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस आपस में क्या हो गया प्लस, अब वो वाली क्वेश्चन बन गई जो जिसके ये वाले रूट्स थे हमारे पास, आप निकाल के देख लो, इसके आंसर भी वही आएंगे, उसके जरिए निकालोगे ना जब आप इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, जिसमें जवाब में बनेगा 2 -1 प्लस √3 एटा ओवर 2, और एक आंसर बनेगा उसका 2 × -1 - √3 एटा ओवर 2।
जब इसको सोल्व करोगे, तो इसलिए उसने इधर लिख दिया था 2 मेगा और इसको लिख दिया था 2 मेगा स्क्वायर। ठीक हो गया? यस सर। नेक्स्ट ऑफिसर, नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ही, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट बोलिएगा। फाइंड 4 4th रूट्स ऑफ 16, 81 एंड 625। ठीक हो गया। 81 और 7 कौन सा है? 625। ठीक है, वो उसके सेकंड पार्ट होंगे ना, नीचे देख लेंगे। अब फोर्थ रूट ऑफ, जैसे फोर्थ रूट ऑफ 16 निकालना है, जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाला था ना हमने, सॉरी एक्स इक्वल टू 1 की पावर 1/4, तो वो हमारे पास एक्स के आंसर आए थे ±1 और ±8 जो लास्ट लेक्चर में हमने किए थे। तो इसी तरह कहता है 16 की आपने निकालने हैं। अब 16 हमारे पास दोनों तरफ हम क्या लेंगे, पावर 4 ले ली, तो इधर से पावर इसकी 4 खत्म होगी ये वाली। जब इधर भी 4 ले ली पावर, इधर भी 4, इसकी पावर आ गई 4, इसकी पावर 4 खत्म हो गई, तो ये दूसरी तरफ आके क्या हो गया, माइनस। इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर की पावर 2, इसको लिख लिया 4 की पावर 2, तो इधर से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए या ये वाला रूट इक्वल टू 0 होगा या ये वाला रूट इक्वल टू 0 होगा। ये वाले रूट के तो जवाब डायरेक्ट ही आ गए हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू, जब इसका एक्स स्क्वायर खत्म करेंगे अंडर रूट आ गया -4, आपको पता है 2 एटा के बराबर होता है, तो इधर से ±2 एटा इसका आंसर आ गया। और इधर से देखें, इधर से फिर इसके दोबारा हमारे पास या ऐसे करना ऐसे कर ले, नहीं तो इधर से फैक्टर बना ले फिर, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो इधर से हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2, तो यहाँ फिर ये जैसे किया इसने -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो गया, दोनों का स्क्वायर रूट खत्म करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो ±2, टोटल आंसर कितने बनने थे, 4, क्यों, फोर्थ रूट था उसका, तो टोटल आंसर आ गया 2 ±2 ±2 एटा। इसी तरह जब 81 का करेंगे, 81 हमारे पास होता है 3 की पावर 4, और तीसरा कौन सा था, 645, वो 5 की पावर होता है, 5 की पावर 4, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 125, 5 × 5 = 625। इसी तरह वो दूसरे मैं दिखा देता हूँ, वो भी सेम इसी पैटर्न से होंगे। ये जैसे हमारे पास इस एक्सरसाइज का था ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें क्यूब रूट ऑफ निकालते हैं -1 या yes, sir, yes, sir. उसी तरह ये फोर्थ रूट है हमारे पास, फोर्थ रूट हमने निकाला है इसका, वो देखा 81 आ गया, 81 और 625 उसी तरह और 5 का कर लिया उसने। आगे कौन सा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर 8 है सर, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला और तीसरा, और तीसरा, ओके। अब ये देखो, ये सवाल अभी हमने किया है, ये वाला सवाल, ये देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, तो x की पावर 4 माइनस 16, तो अभी इसके हमने आंसर निकालने हैं, अभी ये सवाल किया है, इसको हमने अभी सॉल्व किया, तो इसके आंसर थे हमारे पास 2 × ±2 ±2 एटा। ये जो अभी सवाल किया है पिछला, 7वें का पहला सवाल, ठीक है या कर दूं क्या सर? ठीक है सर, सर करते हैं दूसरे वाला, तीसरे वाला कर देते हैं, आप देखते हैं तीसरे वाला, इसका यही था ना पहला पार्ट, तो ये रिपीट ही हो गया, वही क्वेश्चन, बस पहला और तीसरा था सर। यस, ओके, पहला और तीसरा, हाँ तीसरे वाला इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब और क्या है।
अब ये देखें फर्स्ट टू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन रह गया। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, जिनमें से कोई चीज कॉमन ना हो उसमें से क्या कॉमन होता है, वन, वन, एक्स प्लस वन रह गया। तो ये देखो पेयर्स हमारे पास एक्स प्लस वन कॉमन आ गया दोनों में से, तो पीछे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इधर से आ गया एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दफा आ चुका है एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आपका था मैट्रिक में भी इस तरह के क्वेश्चन थे उसमें ना, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इधर से आ गया एक्स इक्वल टू माइनस वन। इसकी पावर कितनी थी, तीन, तो आंसर भी कितने आने चाहिए, तीन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, इधर से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट किया, माइनस वन का भी स्क्वायर रूट किया साथ प्लस माइनस, तो इधर से एक्स, इधर से आ गया प्लस माइनस ए ओटा। और इसका कोई पार्ट बस इतने ही खत्म हो गई एक्सरसाइज। यस सर, यस सर। चलो 40 मिनट भी हो गए आपके, 40 मिनट। आजकल ये पता नहीं क्या कर रहा है ये ना, बहुत टाइम एक्स्ट्रा देना शुरू हो गया है 40 मिनट से। आज तो वैसे किया है ना हमने कि मतलब डिस्कनेक्ट करके किया था।